नेताजी लूं या एओटी या हल्दिया नेताजी एओटी। अरे यार बहुत कंफ्यूजन है, क्या करूं। हे गाइस, क्या आपको भी इस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है? आई होप बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राउड टू इंडियन। इन दिस वीडियो आई विल गिव अ डिटेल कंपेरिजन बिटवीन नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हल्दिया। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कन्फ्यूजन यह दूर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएससीसी वर्सेस एओटी वर्सेस हल्दिया, ये तीनों कॉलेज का कंपेरिजन करेंगे। सो विच वन इज द बेस्ट एंड विच कॉलेज शुड आई चूज। ओके, सो बिफोर डूइंग दिस कंपेरिजन आई हैव सम पैरामीटर्स। मैंने कुछ पैरामीटर बनाए जिसके बिहाफ पर मैं इस कॉलेज का कंपेरिजन करूंगा। ओके, सो माई फर्स्ट पैरामीटर इज लोकेशन, सेकेंड इज कैंपस, थर्ड प्लेसमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन डब्ल्यू बी जेई कैंडिडेट, देन कट ऑफ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फीस दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ओके फी कितना है भाई। एंड लास्टली आई विल गिव माई फाइनल ओपिनियन, सो वट इज माई ओपिनियन अबाउट दिस कॉलेज। ओके, सो लेट अस लुक आवर द फर्स्ट पैरामीटर दैट इज लोकेशन। सो जैसा कि मैं सबसे पहले बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एओटी भाई सिचुएटेड है, आपको पहले ही बताया हूँ, एओटी एक विलेज टाइप एरिया में। एओटी अगर आपको फुल रिव्यू देखना है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली लोकेशन एक इसका विलेज टाइप एरिया है। नेताजी इट इज सिचुएटेड इन अ कोर सिटी ऑफ कोलकाता। ओके, कोलकाता के कोर सेंटर में सिचुएटेड। ओके, हल्दिया इज मॉडरेट, दिस कॉलेज इज लोकेशन या विलेज टाइप, सो इट इज वेरी पीसफुल। ओके, आपको पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज। ओके, नेताजी वही सिचुएटेड इन कोलकाता, सो लिटिल बिट नॉइजी, एंड हल्दिया इज ऑल्सो पीसफुल। ओके, नाउ कैंपस, सो व्हाट अबाउट द कैंपस? एओटी कैंपस इज वेरी गुड। ओके, आपका फिगर भी आपको देख सकते हैं, मीन्स मैं डिटेल रिव्यू किया उसमें आप देख सकते हैं कैंपस का बहुत ही शानदार है। ओके, मीन्स यू विल कम्प्लीटली फेल इन लव विद दिस कैंपस। ओके, नेताजी अ वेरी लो कैंपस। ओके, हल्दिया इज मॉडरेट, हैव अ गुड स्कोप फॉर स्पोर्ट्स, तो आपको अगर स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो एओटी विल मे बी योर गुड ओपिनियन। ओके, गुड चॉइस। नेताजी हैव नो स्कोप फॉर स्पोर्ट्स, सिंस कैंपस ही छोटा है भाई, तो स्पोर्ट्स का तो कोई सवाल ही नहीं होता। हल्दिया गुड स्कोप फॉर स्पोर्ट्स। ओके, एरिया की बात करें तो मोर देन 3 एकर एओटी। ओके, एन एस सी सी मीन्स वेरी लिटिल कैंपस। ओके, हल्दिया मोर देन 10 एकर, सो यू कैन से मीन्स हल्दिया में आपको इतना 10 एकड़ से ज़्यादा मिला, क्योंकि और बहुत ही डिपार्टमेंट इस कॉलेज में है। सो नाउ वी विल लुक एट द प्लेसमेंट सिनेरियो। तो एओटी इन सीएससी अबव 190-180% प्लेसमेंट, कोर ब्रांच ऑल्सो हैव 85% प्लेसमेंट। ओके, एनएससी नेताजी इन सीएससी आउट 82%, इन कोर ब्रांच 50-65%। हल्दिया सिमिलरली अब मोर देन 90% प्लेसमेंट इन सी एस सी। एंड एवरेज पैकेज की बात करो तो एवरेज पैकेज इन एओटी इज अबाउट 4-4.8 लैक्स, एन एस सी सी एवरेज पैकेज 4-4.6 लैक्स, एंड हल्दिया हैव एवरेज पैकेज 3.9-4.5 लैक। सो ये था एवरेज पैकेज और प्लेसमेंट्स के बारे में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। नाउ द कट ऑफ, कट ऑफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरेज स्टूडेंट। ओके, वेदर दे आर मीन्स एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज आर नॉट। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द मीन्स एओटी कट ऑफ, देन फॉर द सी एस सी आपको 6,500, और मीन्स आपको अगर थर्ड ऑल इंडिया रैंक में 13,000 तक भी है तो आपको मीन्स चांस आपका ज़्यादा है मिलने का। ओके, सी एस बी एस सिमिलरली अगर 21,000 तक भी है तो आपको मिलने का चांस है। ई सी हैव 28,000, यानी 28-29-30 तक भी है तो आपको ई सी मिल सकता है। एंड इलेक्ट्रिकल तो आप देख सकते हैं कट ऑफ और भी। सिमिलरली अगर नेताजी की बात करें तो सी एस सी कट ऑफ इज अबाउट 12,000, और मीन्स 500 आप और ऐड कर सकते हैं, 13,000 तक भी है आपका तो हो जाएगा। ओके, आई टी है 21,000, ई सी 26,000, ई 64,000,
सिमिलरली यू कैन सी अदर कट ऑफ, नॉट टॉकिंग अबाउट द हल्दिया, इफ यू कैन सी अ कट ऑफ दैट इट इज इट हैव कट ऑफ 8536 फाइनल कट ऑफ। ओके, मैं ये सब जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये राउंड थ्री का कट ऑफ है। ओके, नाउ आई टी हैव 13,000, तो पिछला साल तो इसका 60,000 तक भी गया था आई टी का कट ऑफ। ओके, मीन्स पिछला नहीं, मीन्स 2020 में। ओके, मैकेनिकल 61,000, इलेक्ट्रिकल 62,000, सिविल 64,000। ओके, सो दीज आर द कट ऑफ ऑफ द हल्दिया। आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, आपको यूजफुल होगा। ओके, यहाँ अगर आपको कॉलेज चूज करने में कोई अगर दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है मीन्स ऑल कॉलेज मीन्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, मीन्स AOT ऑल्सो गुड, NSCC गुड, हल्दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास मीन्स ऐसा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस या थोड़ा सा मीन्स हल्दिया हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, मीन्स मोर देन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नाउ फी एंड एलिजिबिलिटी। ओके, सो दीज आर द मीन्स फी स्ट्रक्चर ऑफ AOT, नेताजी एंड हल्दिया। इफ वी लुक एट द AOT देन बीटेक फी फॉर फर्स्ट ईयर इज अबाउट 99,000। लेकिन आपको रियल बताऊँ तो 99,000 से भी थोड़ा सा मीन्स 5-6,000 और ज़्यादा लगेगा। ओके, एंड इन द नेताजी यू हैव टू पे 1.45 लैक्स। आप देख रहे हैं फीस का बहुत ही ज़्यादा है, एंड इज द एंड द कंपेरिजन ऑफ AOT। ओके, एंड फाइनली द हल्दिया 1.18 लैक्स पर ईयर। ओके, दीज आर द मीन्स फी स्ट्रक्चर ऑफ। ओके, अगर आप मीन्स आपको अगर कोई स्पेशल कोटा है तो आपको फी मीन्स कम लगेगा। ओके, इसमें कोई बात नहीं, मीन्स मैं ये ऑल इंडिया मीन्स जनरल के लिए फी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। TFW का डिटेल देखना है तो आप हमारे इन हर एक कॉलेज का रिव्यू भी देख सकते हैं, जहाँ मैं हर एक डिटेल बता रहा हूँ। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सो माय मीन्स नेक्स्ट इज द कंक्लूजन। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, शुड आई चूज दिस कॉलेज और विच वन इज द बेस्ट, AOT, नेताजी, हल्दिया। मैं पहले आपको बात करूँ तो आपको पहले सबसे पहले फिर से आपको मैं प्लेसमेंट्स बताता हूँ कि प्लेसमेंट सिनेरियो देखो, मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट आपको अगर चाहिए भाई तो आप नो डाउट यू कैन चूज हल्दिया। हल्दिया इज द बेस्ट इन द कंपेरिजन विद NSCC एंड सॉरी AOT इज द बेस्ट इन कंपेरिजन विद हल्दिया एंड NSCC। तो नेताजी और हल्दिया कंपेरिजन में AOT बहुत ही अच्छा है। ओके, पॉज। Continue. You can also look the over the average package is about 4 to 4.8. Pause here. Pause. यू कैन हैव ऑल्सो लुक अवर द एवरेज पैकेज। एवरेज पैकेज में वही AOT आगे निकल रहा है, ऑल्सो मीन्स NSCC अभी मीन्स कॉम्पिटेटिवली ठीक है, बट ओवरऑल प्लेसमेंट यू कैन से सी दिस सिनेरियो। ओके, और आपका मीन्स प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वाई AOT इज द बेस्ट। नाउ कैंपस, यू इफ यू वॉन्ट टू इन्जॉय कैंपस लाइट देन अगेन इन दिस सेगमेंट टू AOT एंड हल्दिया इज मच बेटर देन NSCC, क्योंकि मैं पहले बताया कि NSCC का कैंपस बहुत ही छोटा है। ओके, NSCC मीन्स नेताजी। ओके, इट हैव मीन्स वेरी लिटिल कैंपस, कैंपस लाइफ आपको कुछ खास इसमें नहीं मिलेगा। ओके, बट AOT एंड हल्दिया इज द बेस्ट। ओके, लोकेशन, लोकेशन वो द इम्पोर्टेंट फैक्टर भाई। अगर लोकेशन के अनुसार आप देखिए तो NSCC नेताजी बेस्ट है, क्योंकि वेरी इट इज सिचुएटेड इन द कोलकाता सिटी। तो आप अगर इंजॉय भी ज़्यादा करना चाहते हैं, मॉल, जिम, अदर चीज, आप भाई नेताजी को चूज कर सकते हैं, इट इज द बेस्ट। तो आपको मीन्स चूज करना कि आपको प्लेसमेंट चाहिए भाई या लोकेशन आपको बढ़िया चाहिए मीन्स घूमने वगैरह के लिए, तो आप नेताजी को उसमें चूज कर सकते हैं। एंड AOT आपको पहले बताया कि थोड़ा विलेज टाइप है, मीन्स आपको हावड़ा घर जाने के लिए आधा एक घंटा लगेगा, फिर भी आप मीन्स इंजॉय कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर मीन्स चॉइस यू कैन चूज AOT और NSCC। हल्दिया मीन्स ऑल्सो मॉडरेट टाइप लोकेशन, तो लोकेशन के अनुसार देखें तो AOT इज द बेस्ट।
सॉरी सॉरी, एओडी नेताजी द वेस्ट का जी सिचुएटेड इन कोलकाता। सो फाइनल ओपिनियन में क्या बोलूं, फाइनल ओपिनियन ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप मीन्स वाटिकन से गुड प्लेसमेंट, बेटर मीन्स पीसफुल इन्वायरमेंट चाहते हैं तो नेताजी को चूज कर सकते हैं। अगर आप मीन्स घर से ज़्यादा दूर, मीन्स सिटी से दूर ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं तो आपके लिए मीन्स नेताजी बेस्ट रहेगा। ओके, और आपको और प्लेसमेंट और गुड मीन्स आपको इन्वायरमेंट चाहिए, नेचुरल इन्वायरमेंट, देन यू कैन चूज द एओडी। ओके, हल्दिया मीन्स मॉडरेट, तो आप मीन्स अकॉर्डिंग टू माई कंक्लूजन फर्स्ट पे मैं रखना चाहता हूँ एओडी को। ओके, नो नो डाउट मीन्स दिस कॉलेज इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, इट हैज गुड पोटेंशियल। ओके, अगर आप इस कॉलेज में एंट्रेंस लें तो आपका मीन्स प्लेसमेंट तो लगभग पक्का है। ओके, देन सेकेंड नंबर में रखना चाहूँगा हल्दिया। हल्दिया को क्यों रखा भाई, आप कहेंगे नेताजी भी तो ठीक है, हल्दिया में इसलिए रखा क्योंकि इसका कैंपस वगैरह बहुत ही बढ़िया है। ओके, एंड ऑल्सो मीन्स यू कैन हैव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। ओके, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी इसमें गुड है, ये नेताजी में कुछ नहीं है। थर्ड पे मैं रखना चाहूँगा नेताजी। डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। फिर भी आपको कोई अगर इसके रिगार्डिंग डाउट है देन यू कैन आस्क मी एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, और आपको यह वीडियो से अगर यूजफुल लगा, आपका कन्फ्यूजन अगर मिट गया तो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।